चश्मा साधारण चश्मा है? नहीं दादी कूल। ये जो कॉस्ट्यूम है ना, ये आम कॉस्ट्यूम नहीं है। इससे पहनते ही तेरी सुपर पावर डबल हो जाएगी। जो काम तू यारो बनकर करता है, कॉस्ट्यूम पहनने के बाद वही काम डबल करेगा तू योमैन बनकर। चश्मा लगाया तो योमैन, चश्मा उतारा तो यारो। दादी कूल, आप कूल नहीं, सुपर कूल है। चल यारो, वक्त आ गया अब शेर की तरह दुश्मनों से लड़ाई करने का। लेकिन दादी कूल, हमें जोका गैंग के बारे में पता कैसे चलेगा? हमने उनमें से किसी के भी चेहरे देखे नहीं है, तो उनको पहचानना नामुमकिन है। इसीलिए यारो, जब वो नेक्स्ट चोरी कर रहे होंगे, तुम्हें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। लेकिन दादी कूल, जोका गैंग हमें बताकर चोरी नहीं करेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि उनका अगला टारगेट क्या है? यारो, उसके लिए हमें पुलिस की तरह नहीं, चोरों की तरह सोचना होगा। वो कैसे? आ, मैं तुझे बताती हूँ। जोकर गैंग ने अपनी पहली चोरी की अंधेरी में, दूसरी जू पे, और ये तीसरी की उन्होंने नरीमन पॉइंट पे। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है साफ साफ। क्या दिखाई दे रहा है? एक बिना डॉट का आई। यारो, ये बिना डॉट का आई नहीं है, ये है जे। और देखना, उनकी अगली चोरी जो होगी ना, यहाँ कोलाबा में होगी। कि जे का मतलब है जोकर गैंग, और यहाँ पर चोरी करने के बाद उनका जे का जो मार्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जे से ज्यादा छतरी का उल्टा हैंडल लग रहा है। यारो, ये छतरी का उल्टा हैंडल नहीं, ये जे है। देख, वेरी गुड दादी, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं कि अगली चोरी कोलाबा में होगी? वेरी गुड यारो, तू एक इन्वेस्टिगेटर की तरह सवाल कर रहा है। तेरे सारे सवालों के जवाब मैं तुझे दूंगी। इधर आ, ये देख, मैंने ना पुलिस रेडियो फ्रिक्वेंसी को ना हैक कर लिया है। अब वो लोग जो भी बातें करेंगे ना, हमें इस रेडियो के जरिए सुनाई देंगे। लेकिन दादी कूल, रेडियो पे तो फिल्मी गाने सुनाई देते हैं। अरे, ये दादी कूल का रेडियो है, दादी कूल। हेलो, हेलो, इन एंड आउट, हेलो। गलत, बहुत गलत है ये। पुलिस के वायरलेस को टैप करना इज नॉट सो कूल, गलत बात है दादी कूल। चुप कर, बॉस कौन है, तू या मैं? ऑफ कोर्स यू। सुन, अरे ध्यान से सुन लो, दोबारा नहीं बताएंगे। सारी पुलिसमैन कोलाबा एरिया में रिपोर्ट करें, जोकर गैंग ने एक और चोरी की है। इंस्पेक्टर भोपाली, ओवर एंड आउट। आप कूल ही नहीं, जीनियस, सुपर जीनियस हैं आप। सही कहा था, अगली चोरी कोलाबा में होगी। पेट्रोल वैन कोलाबा एरिया के करीब है सर, हम 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन तब तक शायद जोकर गैंग निकल जाएगा। योमैन के रहते जोकर गैंग कहीं नहीं भाग पाएगी। योमैन को अपने पहले मिशन का टारगेट मिल गया है। वेरी गुड यारो। यारो नहीं, योमैन हूँ। अब मैं इस ग्लास की मदद से ना वो सब कुछ देख पाऊंगी जो तुम देख पाओ। ऑल द बेस्ट योमैन। भाई, उधर देखो। वो देखो, बैंक की कैश वेंचल के खुद हमारे पास आ रही है। आज तुम्हारा लकी डे है। गरीलोक, बाहर निकल, बाहर निकल। हाथ ऊपर, ठोक दूंगा सीधे, सीधे ठोक दूंगा। तुम सभी लोग अपनी अपनी गन फेंक दो, वरना तुम्हारे इस बॉस को गोली मारूंगा। छोड़ दे। ए, सुना नहीं क्या? अंधे हो? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे क्या? गाड़ी गई। तुम्हारे कौन? सुपर ही और आयरन मैन सभी हैं मेरे डाई हार्ट फैन।
मुझे मुझसे खाते खौफ, मैं हूँ यो मैन। अरे यो मैन, थारे चक्कर में हमारी गाड़ी चली गई और चोर भी भाग गए। सॉरी, लैंडिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी। एनीवेज, चिंता विंता छोड़ो मैन, चोरों की पकड़ूंगा मैं वैन। मुझे मुझसे खाते खौफ, मैं हूँ यो मैन। यो मैन, रैप कुछ ज्यादा ही हो गया, चलो अब चोरों को पकड़ो। ओके डी। वाओ, आई लाइक इट। जैसे जेम्स बॉन्ड की बॉस एम, वैसे यो मैन की दादी डी, दादी कूल। अबे गधा कौन है बे? और तूने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वैन अपने आप रुक गई। चढ़ा इसके ऊपर। भाई वैन आगे नहीं बढ़ रही है। अभी देखता हूँ उसे। अबे कौन है बे तू? सुपर ही और आयरन मैन, सभी हैं मेरे डाई हार्ट फैन। दुश्मन मुझसे खाते खौफ, मैं हूँ मैं यो मैन। भाई ये पागल लगता, भाई गोली मारो। भाई गाने के बीच में गोली चलाते हो, बहुत गलत बात है। टेक टू। सुपर की और आयरन मैन सभी हैं मेरे डाई हार्ट फैन। दुश्मन मुझसे खाते खौफ, मैं हूँ मैं यो मैन। आप लोगों के पास गन है लेकिन आपको चलाने की तमीज नहीं। यारो अपनी मैग्नेटिक पावर ऑन कर। उसका मुंह ढक गया, चल भाग, यही चांस है भागने का। भाग भाग भाग। अरे यो मैन, ये सब क्या हो गया? डी पता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सारी आसपास की कबाड़ की चीजें और मेटल का सामान आके यो मैन को चिपक गया। यो मैन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा यो मैन। तू सबसे पहले एक काम कर, अपनी मैग्नेटिक पावर ऑफ कर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करने के बाद सारा लोहा लंगड़
यो मैन पे से हट गया। मैं सफल हुआ लेकिन इस मिशन को कंप्लीट करने में असफल हुआ। बैंक की कैश वैन को चोरी हुए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। बहरहाल हम लगातार आपको इस मामले में पूरी जानकारी दे रहे हैं। मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, तो चलिए उन्हीं से इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। कौन है भाई? कौन? मैं कौन? आप अग्रवाल साहब, चतुर्वेदी का बच्चा। बोलिए भाभी जी। अरे भाभी जी, अरे क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं। लगता है 2 दिन से खाना नहीं दिया है गोकी जी ने आपको। आप चुप रहिए यार। भाभी जी आप ठीक तो है ना? भाभी जी अरे हमने टीवी में देखा कि आपके ऊपर हमला हुआ है। जी चतुर्वेदी जी। हाँ, वो जोकर गैंग वालों ने आपका नेकलेस चोरी कर लिया। जी चतुर्वेदी जी। भाभी जी क्या है ना, आपका ये मासूम चेहरा देख के ना भाभी जी हमारी बिल्कुल ठो हो जाती है। हम क्या बताएं आपसे कि हम बिल्कुल मतलब जो है। एक बात बताऊं आपको कि मैं भी वहां था और जो इनके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ था। ओके भाभी जी आप तो डर गई होंगी। जी चतुर्वेदी जी। अरे भाभी जी अगर वहां पे मैं होता ना, अरे तो जोकर गैंग ना जोकरी बिल्कुल मैं निकाल देता। अच्छा कैसे? अरे भाभी जी अपना ये ना एक घूंसा उनके मुंह पे मारता और उसके बाद उनका गला पकड़ के और जो आपका नेकलेस है उसको लेके उनके गले में मैं पहना देता। ये हवाई किले बनाने बंद कीजिए। जोकर गैंग के लोगों के पास पिस्तौल थी, पिस्तौल हर एक की कन पट्टी में लगा के पूछ रहे थे गोली खाओगे क्या। बात कर रहे हैं बड़ी नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। ऐसा है ना, हम चतुर्वेदी हैं, नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन वाले नहीं है। भाभी जी के लिए हम गोली वाली सब खा लेते, यहाँ तक कि हम बम भी खा लेते, लेकिन किसी भी सूरत में ना वो नेकलेस हम ले जाने ना देते। हम उनकी ठो कर देते, उनकी ऐसी तैसी कर देते हम। हाउ स्वीट चतुर्वेदी जी। भाभी जी मुझे सुन सुन के इतना अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। जोकर गैंग, जोकर गैंग, जोकर गैंग, जोकर गैंग। इतना ही आगे आइए। देखिए आपके चेहरे का रंग उतर गया है, पहले घर जाइए, च्यवनप्राश खाइए, थोड़ा सा अपना जिगरा बनाइए, उसके बाद बात कीजिएगा। चलिए निकले यहाँ से। हमारा चेहरा रंग नहीं उतरा है। अरे वो तो हम चेक कर रहे थे कि कहीं वो लोग भाभी जी का पीछा करते हुए घर के अंदर तो नहीं आ गए, इसीलिए हम भाभी जी के पीछे जाके छिप गए थे। सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ता है, पीछे छिपना नहीं पड़ता है, समझे आप? अरे हम आने वाले थे, आपने जगह नहीं छोड़ी। बकवास कर रहे हैं भाभी जी। बाय बाय। क्या नमूना यार ये हमारा सेक्रेटरी। मेरा नेकलेस। बीना जी मिल जाएगा, क्यों चिंता कर रही हैं आप? यो मैन कमीशन फेल हो गया। यारो, अरे तू अभी तक आया क्यों नहीं? तुझे पता है ना तेरे मैग्नेटिक पावर में प्रॉब्लम है, इससे पहले कि वहाँ प्रॉब्लम और हो जाए जल्दी से घर आ जा। ओके दादी, लेकिन यो मैन का मिशन फेल हो गया। अरे तो क्या हुआ, दुनिया के बड़े बड़े मिशन पहली बार फ्लॉप हो जाते हैं। अब तो चांद की भांति ले ले, कितने मिशन फेल होने के बाद अपोलो 11 वहाँ पे लैंड हुआ। अरे यारो तू मायूस मत हो, अरे यो मैन इस फेलियर से और स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकलेगा। थैंक यू दादी। जल्दी से घर आ जा। ओके दादी। नहीं है नहीं, अच्छे ना बहन जी। अरे नहीं, सोने के रंग में रंगी हुई पीतल की चैन है ये। नहीं है भैया नहीं है। इनको क्या पता कि ये पीतल की है? इनको तो लगेगा कि तो सोने की है, एकदम ठो वाली। अब इसी को पहन के पूरे मोहल्ले में टसन फैलाऊंगा। वाह 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 चतुर्वेदी। अरे तेरी तो चतुर्वेदी की पीतल की चैन, अरे सोने की चैन लेके भाग रहा है चिंदी चोर। मैं तेरी तो बैठा करता, तेरी तो ऐसी तैसी। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन? मैं कौन? आप अग्रवाल साहब। चतुर्वेदी का बच्चा भी नहीं।
क्या है? अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, किस तरह से घुस कर रहे हैं अंदर मेरे घर में? अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप? हैं? अंदर चोरी का सामान छुपा रहे थे क्या? चतुर्वेदी साहब, आप इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपने घंटी बजाई और मैं सब काम छोड़ के भागा भागा हूं दरवाजा खोलने के लिए। And what do you mean कि चोरी का सामान छुपा रहे थे? ये तरीका बात करने का आपका? What do you mean का मतलब क्या है? अरे आपका वो बेटा जिसे आप चोरी की ट्रेनिंग दे रहे थे, मैं उस चोर को बुलाइए, आज हम उसकी ठोक करके रहेंगे। कहाँ है वो? अरे अरे सुनिए, रुकिए, अरे रुकिए सुनिए, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा चोर? हाँ हाँ, आपका बेटा चोर है। उसने हमारे गले में जो सोने की चैन पड़ी थी ना, उसको झमट्टा मार के भागा है। देखिए चतुर्वेदी साहब, यारो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। आप बात घुमाइए नहीं, आपके यारों ने हमारी चैन पे झपट्टा मारा है, उसको आप बुलाइए, हम उसकी ठोक करके रहेंगे। हाँ बुला दो, अभी अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ उसको जरा। अरे यारो, आ रहा हूँ पापा, आ गया। ये देखो पापा, ये देखो पापा। बेटा ये चेन तुम्हारे पास कहाँ से आई? पापा जब से आपने ये जैकेट दिलाई तब से ये चेन है। उस चेन की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो नीचे पड़ी हुई है। ये चेन पापा, यारो को पता भी नहीं ये चेन कैसे और कब आई यारो के पास। आई नहीं है बल्कि चुराई गई है। अरे तुमने हमारे गले से झपट्टा मार के खींचा है। अग्रवाल साहब, एक तो शहर के अंदर जो है जोकर गैंग जो है तबाह किए हुए, और यहाँ कॉलोनी में तुम्हारा ये सुपुत्र, ये एक नंबर का चोर है। अब तो पुलिस आएगी, वही पता करेगी ये चैन कहाँ से आई। बेटा पुलिस तुमको दो फटके मारेगी ना, पटपटा दोगे कि ये कहां से आई। ओ अपने बाप, ये क्या ठो के ऊपर ठो हो रहा। लो जी सारी बात समझ में आ गई। देखिए दरअसल बात यह है कि मैंने यारों की जेब में एक सुपर मैग्नेट छोड़ दिया था, जिसके कारण हर मेटल की चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, खिंची चली आ रही है। सुपर मैग्नेट? सुपर मैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट जो हर मेटल की चीज को अपनी तरफ खींचता है। अरे साइंस की बात है चतुर्वेदी साहब, आपकी समझ में नहीं आएंगी, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। आप छठी फेल है, छोड़िए जाने दीजिए। लो बेटा चेन दो, लो ये लीजिए, अपनी चेन पकड़िए और यहाँ से दफा हो जाइए। अच्छा अब चेन तो हमको मिल गई है, लेकिन हम पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे, एकदम ठोक करेंगे इसकी हम। चतुर्वेदी जी, भाभी जी, अरे हो के इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? देखिए आपको आपकी चेन चाहिए थी, आपका आपकी चेन मिल गई, अब आप घर जाके चेन से सो जाइए, मान जाइए प्लीज। भाभी जी आप कहें और हम ना माने, ऐसा कभी हुआ है? लीजिए मान गए हैं भाभी जी, बाय बाय चतुर्वेदी जी। अग्रवाल साहब, हो के यारों के अंदर जो एरर हो रहा है इसे प्लीज ठीक करेंगे आप? हाँ मीना जी, मुझे भी लग रहा है कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसके सिस्टम में। आओ बेटा पूरा स्कैनिंग कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या है। आओ। ओके पापा। आजा बेटा। आ गया। अरे अच्छा हुआ यारो तू आ गया, चल चल कद्दू के पास चल, तेरी प्रॉब्लम को ना कुछ बहाना करके ना ठीक करवाते हैं। रिलैक्स दादी कूल, पापा ने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। क्या कद्दू ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारी मैग्नेटिक पावर बढ़ी कैसे? नहीं, पापा ने बस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हाँ चतुर्वेदी अंकल की सोने की चेन यारो की जैकेट के पीछे चिपक गई थी, तो पापा को लगा कि अरे कोई बहुत बड़ा वायरस आ गया है। सोने की चेन की आड़ में पापा ने यारो का मैग्नेटिक फील्ड ठीक कर दिया और साथ में बाकी और प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो गई, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं और अपना काम भी हो गया। अरे वाह, कभी कभी शैतान के हाथ से भी पुण्य हो जाता है। चतुर्वेदी की सोने की चेन ने हमारी तो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर दी। लेकिन दादी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, यारो ने बहुत कोशिश की लेकिन वो जोकर गैंग को नहीं पकड़ पाया, और तो और दादी पहला टारगेट फेल हो गया।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.